हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 2nd of August 2020। 2 अगस्त 2020 का कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड रिपोर्ट 2020 हैज बीन रिसेंटली पब्लिश्ड बाय। तो ग्रिड रिपोर्ट 2020 में से किसने पब्लिश की? ऑप्शंस आर ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेकंड इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, थर्ड इज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, या डी इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 इज, कोविल पट्टी कदलई मिठाई which was recently granted the geographical indication tag belongs to which of the following states? तो कोविलपत्ती कडलई मिठाई इनमें से कौन से स्टेट को बिलोंग करती है? ऑप्शन आर ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू चक हाओ। चक हाओ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ सेंटेड ग्लूटिनस राइस वेराइटी पॉपुलरली नोन एज ब्लैक राइस, कल्टिवेटेड वाइडली इन मणिपुर। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द राइस वेराइटी हैज बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ओके, जॉइंटली फॉर द 7 स्टेट्स समथिंग इंक्लूडिंग द मणिपुर एंड ऑल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1 only, 2 only, बोथ या नन। सो इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप अटेम्प्ट करिएगा। आई विल टेल यू द आंसर्स इन द लास्ट, जब वीडियो खत्म होने लगेगा तो मैं आपको एंड में आंसर्स बता दूंगा, ठीक है ना। आप इनके आंसर जरूर करिएगा, ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, कुछ ना कुछ रिविजन ही करवाएंगे। अब जो लोग यूपीएससी मेन्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे लिंक दी है प्लान्स की, प्लान में जाकर के वो प्लान सेलेक्ट कर लें टेस्ट सीरीज वाला। अगर रिवीजन प्लान करना है तो रिवीजन प्लान अलग है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। दोनों प्लान बहुत ज्यादा अच्छे हैं, दे विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। लेट्स स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस पार्ट। आज आपको पता है संडे का दिन है, एडिटोरियल आते नहीं है। पेज नंबर 12 आज के दिन इंपॉर्टेंट होता है, साइंस एंड टेक भी रहता है, बट आज साइंस एंड टेक में इतनी न्यूज़ नहीं आई है, तो आज हम बात करेंगे मेन एडिटोरियल जो 12वें पेज पे FAQs आते हैं वहाँ पे हम अच्छे से बात करेंगे। पहली जो न्यूज़ है फर्स्ट पेज में देख लेते हैं, ICMR फास्ट ट्रैक्स अप्रूवल फॉर इजरायली रिसर्च कोऑर्डिनेटेड बाय DRDO। तो अब क्या है, इजरायली रिसर्च टीम जो आई है वो कोविड 19 के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा वो टेस्टिंग और ये सब चीज़ें कर रही है, तो गवर्नमेंट हैज़ बीन हेल्पिंग अ लॉट टू द इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री। तो देखो, अपने इंडिया में जैसे DRDO होता है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ कोलैबोरेटिंग विद इजरायल्स डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, इसको DRDD बोलते हैं। तो अगर आपसे यूपीएससी ऐसे भी पूछ ले कि DRDD कौन से कंट्री की बॉडी है, तो डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा, इट इज़ द बॉडी ऑफ इजरायल, इजरायल की डिफेंस बॉडी है। तो याद रखिएगा, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद इजराइल्स डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDD टू कंडक्ट ट्रायल्स ऑन इंडियन पेशेंट्स दैट इंक्लूड एन ऑडियो टेस्ट, अ ब्रीथिंग टेस्ट, अ थर्मल टेस्टिंग एंड अ पोली अमीनो टेस्ट टू आइसोलेट द पेशेंट्स रिलेटेड टू COVID-19। तो याद रखिएगा, ये कुछ टेस्टिंग्स हैं जो कि की जा रही हैं। कौन कौन करा रहा है? DRDO That is collaborating with your Defense Research and Development, Directorate of Defense Research and Development, DRDD. So DRDO plus DRDD, let me write it down, DRDO plus DRDD. तो याद रखिएगा, Directorate of Defense Research and Development, याद रखिएगा, ये इसराइल की बॉडी है। तो ऑडियो टेस्ट होगा, ब्रीदिंग टेस्ट होगा, थर्मल टेस्टिंग होगी एंड पॉली अमीनो टेस्ट होता है इन ऑर्डर टू आइसोलेट द पेशेंट्स ऑफ COVID-19, ठीक है ना। आगे हम थोड़ा, मैं आपको अब थोड़ा सा DRDO के बारे में बता देता हूँ। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको पता है हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, एंड इट इज़ चार्ज विद द मिलिट्रीज रिस्पॉन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मिलिट्री के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, जैसे मिसाइल्स और बेसिकली ये सब चीज़ें जो बनती हैं वो आपके ये बनाते हैं, DRDO वाले ही बनाते हैं, जैसे टैंक होगा, ये सब कुछ कुछ का नया डिज़ाइन हो गया, नेत्रा हो गया, ये सब चीज़ें जो होगी ये बनाते हैं। देन इसका हेडक्वार्टर जो है, बेसिकली इट वॉज फॉर्म्ड इन 1958, कब बना था, 1958, बाय मर्जिंग टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये दोनों मर्ज हुए थे विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन थी, तो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या क्या मर्ज हुआ, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ठीक है ना, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का था। तो ये जब मर्ज हुए डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1958 में, तब जाके आपका DRDO बना। तो ये भी आप याद रखिएगा, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। सो यू कैन मूव विद मी। सो यहाँ पे 1.7% ऑफ 35,000 डोमेस्टिक वर्कर्स टेस्ट पॉजिटिव, जुलाई सेल्स एनईपी ड्रॉप्स मैंडरिन फ्रॉम द लैंग्वेज। नाउ दिस इज अ न्यूज़ विच इज इंपॉर्टेंट, एनईपी ड्रॉप्स मैंडरिन फ्रॉम द लैंग्वेज लिस्ट। एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की, इसने मैंडरिन लैंग्वेज जो कि चाइनीज लैंग्वेज है, चाइना में बोली जाती है सबसे ज़्यादा, एंड इट हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉरन लैंग्वेजेस दैट कैन बी टॉट इन स्कूल्स। ओके, तो एनईपी ने कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में बोला, ट्वेल्थ क्लास में कुछ इलेक्टिव लैंग्वेजेस के बारे में बताया कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, ये सब लैंग्वेजेस हैं। उसमें पहले मैंडरिन भी था, बट मैंडरिन का नाम अब ड्रॉप कर दिया गया, मैंडरिन नेम हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉरन लैंग्वेजेस दैट कैन बी टॉट इन द स्कूल्स, एंड दिस लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज इन मे 2019। 2019 में जब ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी तो इसमें इसका नाम था, मैंडरिन का नाम था, बट नाउ मैंडरिन इज मिसिंग फ्रॉम द फाइनल जो अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है कैबिनेट का, जो फाइनल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है उससे वो नाम हटा दिया गया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आज एक आर्टिकल भी आया तो हम डिस्कस करेंगे आगे। जो जो पेज नंबर 6 है उसमें बाकी के बचे हुए हम लैंग्वेजेस आपको बता देंगे, ठीक है ना, बट याद रखिएगा मैंडरिन हैज़ बिन ड्रॉप्ड, चाइनीज लैंग्वेज अब इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। तो आगे मूव कर सकते हैं आप मेरे साथ, यहाँ पे सिक्स पेज आ गया है। सिक्स पेज में हम थोड़ा आपको लैंग्वेजेस बता दें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो कुछ चॉइस दी जाएगी फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस आल्सो, सम चॉइसेस आर गिवन। अब वो चॉइसेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस, उसमें है फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, चाइनीज, जापानीज। ओके, पहले ये थी जो पहले लैंग्वेजेस थी, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, चाइनीज, जापानीज, बट नाउ चाइनीज इज रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनल डॉक्यूमेंट। जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उससे चाइनीज रिमूव कर दिया गया है। मैंडरिन इज द लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली स्पोकन इन चाइना, जो मैंडरिन लैंग्वेज है चाइनीज लैंग्वेज वही है, उसको अब रिमूव कर दिया गया है। सो इट हैज़ बीन ड्रॉप्ड, तो रिमेंबर दैट चाइनीज लैंग्वेज हैज़ बीन ड्रॉप्ड। चाइनीज के अलावा जो लैंग्वेज अब रहेंगी वो फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, जापानीज, ये लैंग्वेजेस कुछ रहेंगे जो आप इलेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे और हम लैंग्वेजेस कौन सी है, जैसे कोरियन, थाई, फ्रेंच, पोर्चुगीज, रशियन, दे विल बी ऑफर्ड एट द सेकेंडरी लेवल। तो इन लैंग्वेजेस को भी हम ऑफर करेंगे सेकेंडरी लेवल पे, थाई हो गई और रशियन हो गई, तो ये भी कुछ लैंग्वेजेस है जो हम ऑफर करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये याद रखिएगा, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपको याद रखना है। ये लाइन देखो लिखी हुई है, मैंडरिन इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ऑफर्ड एट क्लास 10th और क्लास 12th लेवल बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तिब्बतन, थाई, जापानीज एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज रशियन, स्पैनिश, फ्रेंच, जर्मन, ये लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इसमें चाइनीज या मैंडरिन का नाम नहीं है, तो ये आप याद रख सकते हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। EIA ड्राफ्ट ट्रांसलेटेड इनटू 3 लैंग्वेजेस इंस्टेड ऑफ 22। अब आप सबको पता है शेड्यूल 8 जो है इंडिया का वो लैंग्वेजेस के बारे में बोलता है, शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में, तो इंडिया में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। अब जो EIA ड्राफ्ट आया है वो पब्लिक डोमेन में आया है, अभी पब्लिक डोमेन में लाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि EIA ड्राफ्ट जो आया था वो कम से कम 30 दिनों तक के लिए पब्लिक डोमेन में रखना था, ताकि लोग एटलीस्ट EIA ड्राफ्ट को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद डिसाइड कर लें कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन इस बार जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज कर दिया गया, केवल और केवल 20 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया। ऊपर से इसको केवल 3 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, ना कि 22 लैंग्वेजेस में, केवल 3 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। वो 3 लैंग्वेजेस वो भी कौन कौन सी हैं, मराठी, नेपाली और उड़िया, केवल मराठी, नेपाली और उड़िया लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें ना तो पब्लिक कंसल्टेशन अलाउ किया जा रहा है, ना ही ज़्यादा लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को पता ही ना चल पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या ऐसी बात है कि आप EIA ड्राफ्ट को इतना ज़्यादा हाइड करके रख रहे हो, इतना ज़्यादा उसमें आप ओपेसिटी ला रहे हो, है ना। तो बात वही, तो ये न्यूज़ याद रखिएगा कि विद लेस देन 10 days आर रिमेनिंग, अब केवल 10 दिन ही बचे हैं कि पब्लिक डोमेन में इसके कमेंट्स आ जाएं, उसके बाद ये नहीं तो फाइनल हो जाएगी फिर ये पॉलिसी। तो वही चीज़ है कि अब केवल 10 दिन बचे हैं, ऐसे में आप क्या कर रहे हो कि आपने इसको कम लैंग्वेजेस में लिखा है, ट्रांसलेट किया है और कम लोगों तक आपने पहुंचाई है, कम दिन आप अलाउ कर रहे हो फॉर द पब्लिक डोमेन डिस्कशन। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी ओपेक एंड इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रिगार्डिंग द EIA और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इस पे भी आज एक आर्टिकल आया है तो हम आगे डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल भी। लेट्स सी, आगे मूव करते हैं।
कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के ऊपर भी आया है, बल्कि आज चार आर्टिकल बहुत अच्छे आए हैं। अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट अचीव्स क्रिटिकलिटी, तो अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर प्लांट जिसने की क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है वो यूएई ने अनाउंस किया है, बराकाह इसका नाम रखा है उन्होंने, बराकाह। ओके याद रखेगा, BARAKAH ये नाम लिखा ना, तो यही उन्होंने लिखा है। तो फर्स्ट प्लांट ऑफ अरब वर्ल्ड विच हैज अचीव्ड क्रिटिकलिटी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्रिटिकलिटी क्या है, बता दो। तो चलो बता देता हूँ, पहले आप याद रखना कि ऑयल रिच यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ऑन सैटरडे अनाउंस्ड द स्टार्टअप ऑफ इट्स बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्कोरिंग अनदर फर्स्ट फॉर द अरब वर्ल्ड। तो ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका है, तो दिमाग में आ गया हो क्रिटिकलिटी क्या है। तो क्रिटिकलिटी क्या है, बेसिकली एक ऐसा रिएक्टर, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर विच कैन सस्टेन अ फिजन रिएक्शन। क्या होता है, कई बार न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रॉपर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं निकल पाते हैं, जब प्रॉपर न्यूट्रॉन्स नहीं निकलेंगे तो आपकी फिजन रिएक्शन सस्टेंड नहीं रहेगी। सो एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि सफिशियंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले फॉर सस्टेनिंग एन ऑन गोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, फॉर सस्टेनिंग द ऑन गोइंग फिजन रिएक्शन। तो जब ऐसा कोई प्लांट होता है जिसमें कि आपके बेसिकली कहना चाहिए कि प्रॉपर इतने न्यूट्रॉन्स निकलें कि वो पूरी फिजन रिएक्शन को वो सस्टेन कर सके, तो वो कहलाता है आपका क्रिटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर, और क्रिटिकलिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन दैट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये आप याद रखिएगा, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, आप भी मेरे साथ मूव कर सकते हैं। ओके संडे का दिन इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती और एक्सप्लेन सेक्शन में बहुत इजी न्यूज़ आती हैं, क्योंकि समझाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो दैट इज़ समथिंग। अब यहाँ पे देखो, आपको दो चीज़ें और होमवर्क में मैं दूंगा, इस पूरे पेज में आज न्यूज़ नहीं है। देखो मैं अगर पढ़ के बता दूँ ताकि आपको ये ना लगे, नोवेल कोरोना वायरस सर्कुलेटेड अननोटिस इन बैट्स फॉर डिकेड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 आप सबको पता है। वॉल्केनिक वीनस, यहाँ पे वीनस में ये बोला गया कि ये एक्टिव हो सकता है, अभी पहले इसको सोचा गया था कि ये एक्टिव नहीं हो सकता वीनस के जो वॉल्केनोज है, बट अब ये हो सकता है कि एक्टिव हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्मिंग इंडियाज पुअर अगेंस्ट पैंडेमिक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके बारे में हम बताएं डिस्कस करें, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। डिटेक्टिंग अल्जाइमर्स, अब ये है कि एक नया ब्लड टेस्ट आया है विच कैन डिटेक्ट अल्जाइमर डिसीज इवन 20 ईयर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। अब क्या होता है अल्जाइमर्स में, क्या होता है आपके मेंटल जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो डिक्लाइन करने लगती हैं, इंपेयरमेंट आ जाता है उसमें, ठीक है ना। तो अब एक ब्लड टेस्ट है जो कि अल्जाइमर को डिटेक्ट कर सकते हैं इवन 20 ईयर्स बिफोर द एक्चुअल एडवेंट ऑफ योर अल्जाइमर्स। ओके आगे हम देखें, जीन वेरियंट एंड ससेप्टिबिलिटी टू स्किजोफ्रेनिया। ओके स्किजोफ्रेनिया ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, दे रहा हूँ अल्जाइमर्स के बारे में, व्हाट इज़ अल्जाइमर्स, व्हाट आर द कॉजेज। सेकंड आप मुझे बताइए व्हाट इज़ शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है आपके दिमाग में, ठीक है ना। तो दीज आर द टू क्वेश्चंस फॉर यू जिसके आंसर्स आप करेंगे मुझे, ठीक है ना। इसमें एक फैक्ट जरूर है, यहाँ पे याद रखिएगा, इंडिया में शिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन जो है, शिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन यानी कि स्कार्फ बोलते हैं उसको, स्कार्फ शिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन एंड जीवन स्टेम सेल फाउंडेशन, ये चेन्नई में है, जीवन स्टेम सेल फाउंडेशन, ये बेसिकली स्टडी करते हैं रिगार्डिंग द शिज़ोफ्रेनिया। तो स्कार्फ अगर आप सबके पूछे तो शिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन याद रखिएगा एंड जीवन स्टेम सेल फाउंडेशन जो आपका चेन्नई में है, ठीक है ना। तो ये आप ये इंपॉर्टेंट एक कुछ वो है, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं FAQ पेज में। FAQ पेज में जो पहला है वो है एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले तो इसने बताया कि क्या है ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी और क्या मेजर चैलेंजेस हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने 3-4 दिन में काफ़ी डिस्कस किया है, लेकिन आज फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर द की प्रपोजल्स। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है कि 10+2 का जो फॉर्मेट था, मतलब कि 1 से 10वीं तक की क्लास प्लस 2 ईयर्स का हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो होता है, वो बदल करके अब 5-3-3-4 पैटर्न में आ गए हैं, 5-3+3+4 पैटर्न में आ गए हैं, ठीक है ना। अब पहले क्या होता था, बच्चों को 6 साल की उम्र से स्टार्ट किया जाता था, बट अब 3 साल की उम्र से, 3 से 6 यानी ये 3 साल एक्स्ट्रा जो दिख रहे हैं ना आपको, वो 3-6 वाले हैं। तो 3-5 ईयर्स विद इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो 3 साल के, 4 साल के और 5 साल के बच्चे हैं, मतलब 3-6 ही हो गया, लेकिन 3-5 मतलब इसलिए बोला जा रहा है कि 3, 4 और 5 ये जो एज के बच्चे हैं इनको भी फॉर्मल एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। इनकी जो
बेसिक फाउंडेशनल जो लिटरेसी या न्यूमरेसी है, बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, ये इसमें अब प्लस फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, फ्री लंचेस दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में, देन वोकेशनल एजुकेशन भी आएगी फ्रॉम क्लास सिक्स, क्लास सिक्स से वोकेशनल एजुकेशन इंटर्नशिप का भी प्रपोजल आया है, देन बोर्ड एग्जामिनेशन को रिडिजाइन किया जाएगा, ठीक है ना। दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताए गए हैं। तो याद रखिएगा, फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री लंचेस, वोकेशनल एजुकेशन का जो प्रावधान है क्लास सिक्स से आ जाएगा, देन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के लिए क्लास जो बच्चे तीसरी के हैं, तीन साल के हैं, चार साल के हैं, पाँच साल के हैं, ओके, तो ये भी आ गए हैं, ठीक है ना। तो दीज आर इंक्लूडेड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नाउ फॉर हायर एजुकेशन अ न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर हैज़ बीन प्रपोज्ड, तो जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए HECI नाम की एक बॉडी आएगी, उसके कुछ अलग अलग वर्टिकल्स रहेंगे, जैसे कि एक वर्टिकल रहेगा रेगुलेशन का, एक वर्टिकल रहेगा स्टैंडर्ड सेटिंग करने का, एक एग्रीडेशन का रहेगा, एक फंडिंग का रहेगा, चार उसके वर्टिकल रहेंगे। देन इट विल एब्जॉर्व आर्ट एंड साइंस, टेक्निकल एंड टीचर एजुकेशन इन टू इट्स फोल्ड, रिप्लेसिंग सेवरल एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज, जो अभी तक रेगुलेटरी बॉडीज हैं अलग अलग, उन सबको एब्जॉर्व कर लेगा। एंड इट विल इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स, ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगा पब्लिक प्राइवेट को। टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी अलाउड टू सेटअप कैंपसेज इन इंडिया, याद रखिएगा, टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी अलाउड टू सेटअप कैंपसेज इन इंडिया फॉर स्टूडेंट्स। द बिगेस्ट चेंज मे बी द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद ऑप्शन फॉर एंट्री एंड एग्जिट एट वेरियस स्टेजेस। तो अब जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है उसमें मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट भी ऑप्शन है, मतलब कि आप हो सकता है दो साल के बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दो साल के बाद एग्जिट कर लो और बाद में दोबारा से आप एंट्री करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। देन आपका क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, एकेडमिक क्रेडिट बैंक जिसको बोलते हैं। देन एमफिल प्रोग्राम आपका डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, बट अभी जो करेंटली एमफिल कर रहे हैं उनका कंप्लीट होने दिया जाएगा, ठीक है ना। नाउ दिस पॉलिसी इज मेंट टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का एम है। द सम प्रपोजल्स विल बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली स्टार्टिंग विद द चेंज इन द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, HRD मिनिस्ट्री का नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसके बाद जो कुछ आपके चेंजेस हैं वो फेजेस में होंगे, फॉर एग्जाम्पल फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन का है वो केवल 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसेज में आएगा फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2020-21, ओके, वाइल अदर्स विल कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग थ्री ईयर डिग्री कोर्सेज, जो अभी के हैं बाकी वो तीन ईयर डिग्री या जो भी करते हैं वो वैसे कंटिन्यू करेंगे। एमफिल के जो स्टूडेंट हैं वो अभी तक अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नए एडमिशंस नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। देन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इट विल इंट्रोड्यूस अ पायलट वर्जन ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बाय दिसंबर 2020। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इंट्रोड्यूस करेगी, एक पायलट वर्जन इंट्रोड्यूस करेगी 2020 से, एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द एडमिशन टू ऑल द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसेस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन 2021। तो 2021 के जो एडमिशन होंगे वो इसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग द टेक्निकल स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक क्रेडिट बैंक, एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की जा रही है, जिसका IIT स्ट्रक्चर देख रहा है कि किस तरीके से क्रेडिट ट्रांसफर ये सारी चीज़ें होंगी। एंड देन नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन जो है वो इंप्लीमेंट होगा बाय 2025। नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन जो है वो इंप्लीमेंट होगा बाय 2025, एंड इंप्लीमेंट होगा 2025 तक, लेकिन इस साल लॉन्च कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंट पूरा 2025 तक होगा नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT क्या करेगा, इट विल इंट्रोड्यूस द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द न्यू स्कूल स्ट्रक्चर, नए स्कूल स्ट्रक्चर का एक फ्रेमवर्क बनाएगा NCERT, और ये अगले एकेडमिक ईयर से स्टार्ट होगा, मतलब ये बता रहे हैं कि कब कब चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। जो फाउंडेशनल लिटरेसी वाली है वो इंप्लीमेंट होगी पूरा जाकर के 2025 तक, और इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंसेस जो है उनमें 2021 के सेशन में केवल 20 इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंसेस हैं जहां पे मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाला ऑप्शन आएगा। देन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2021 से एंट्रेंस लेगी, ठीक है ना। अब डिफ़िकल्टी कहाँ पर है, तो डिफ़िकल्टी लाई करती है क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसमें लीगल चेंजेस की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको एक्ट या बिल पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका बिल है वो पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। देन जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात की जा रही है उसमें भी आपको सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। देन कैबिनेट ने कहा है कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी एज अ ट्रस्ट अंडर द गवर्नमेंट, तो बट इन ऑर्डर टू मेक इट फुल्ली ऑटोनॉमस द एक्ट इज़ रिक्वायर्ड। अब इसको ऑटोनॉमस
बनाने के लिए भी आपको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, रिसर्च के लिए जो बॉडी बनाई जाएगी उसको भी आपको ऑटोनॉमस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्ट की जरूरत पड़ेगी। देन फंडिंग बढ़ाने के लिए, जैसे फ्री ब्रेकफास्ट आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से ही पॉसिबल है, अगर बजट में आप एलोकेशन करते हो फ्री ब्रेकफास्ट का, तब तो जाकर के हो पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो बेसिकली और चेंजेस हैं, जैसे कि आप 6% GDP करना चाहते हो बट वो पिछले 50 सालों से नहीं हो पाया है ना, तो 6% ऑफ GDP अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा विल लगेगी, तब जाकर के ये सारे चेंजेस हो पाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदर टंग वाला तो प्रोविजन मैंने कल भी आपको बताया था कि केवीज़ ने तो बोल ही दिया कि हम मदर टंग वाला प्रोविजन की 5वीं तक जो मदर टंग में एजुकेशन देना है वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि केवीज़ में हर तरफ के बच्चे आते हैं, तो कैसे वो पॉसिबल होगा कि वो किसी एक लैंग्वेज में एजुकेशन दे पाए। द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सेम वही चीज़ जो मैंने बताई थी। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बैकिंग है, तो आर्टिकल 129 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट। सेम गोज फॉर द हाई कोर्ट ऑल्सो, हाई कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 215 के अंदर। ये दो चीज़ें पहले याद रखो। इसके अलावा स्टैट्यूटरी एक्ट भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, जो कि स्टैट्यूटरी बैकिंग देता है टू द कंटेम्प्ट, ठीक है ना। कंटेम्प्ट दो तरीके का होता है, पहले मैंने आपको बताया था कंटेम्प्ट दो तरीके का होता है, पहला है आपका सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि अगर आप विलफुली कोई ऑर्डर डिक्लाइन करते हो, डिसओबे करते हो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तो वो आपका सिविल कंटेम्प्ट में आता है। बट अगर कुछ आप ऐसा करते हो विच लोअर्स और स्कैंडलाइजेस द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, विच सेट्स प्रिजुडाइसेस और इंटरफेयर्स विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, और विच इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो अगर ये तीन चीज़ें हो रही हैं तो ये आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें आप अगर आप कर रहे हो जो कि स्कैंडलाइज कर रही है अगेंस्ट द कोर्ट, जो कि प्रिजुडाइस सेट कर रही है अगेंस्ट द कोर्ट, और जो कि इंटरफेयर कर रही है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, या कोई चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है जुडिशियल प्रोसीडिंग को, तो अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो दैट विल कम अंडर योर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ तक की सिंपल इंप्रिजनमेंट है, अप टू 6 मंथ एंड अ फाइन ऑफ अप टू ₹2,000, ठीक है ना। क्या कंटेम्प्ट नहीं है, तो फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर आप फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग की विद विल दैट विल नॉट टेंटामाउंट टू योर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नॉर इज एनी फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द मेरिट्स ऑफ अ जुडिशियल ऑर्डर, अगर कोई जुडिशियल ऑर्डर है उसका अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो उसके मेरिट्स का, तो भी वो आपका कंटेम्प्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या ट्रुथ एक डिफेंस है अगेंस्ट कंटेम्प्ट चार्ज, अगर आप ये बोलो कि आपने सत्य की रक्षा के लिए कंटेम्प्ट किया है तो क्या वो डिफेंस है, तो पहले 2006 तक तो वो नहीं था डिफेंस, बट 2006 में आपका एक्ट अमेंड किया गया एंड ये बोला गया कि ट्रुथ इज़ अ वैलिड डिफेंस इफ़ इट वाज इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड वाज इन्वोक्ड इन अ बोनाफाइडी मैनर, अगर बोनाफाइडी मैनर में इन्वोक किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट में तो वो फिर एक प्रॉपर डिफेंस है। सो ये भी आप याद रखिएगा, दिस वॉज योर सेकेंड आर्टिकल जो कि कंटेंट ऑफ कोर्ट पे था। तीसरा हम देखेंगे विल इन्वायरमेंट रेगुलेशन बी वीकेंड, जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है क्या उसको वीक कर दिया जाएगा, तो यस वीक किया जा रहा है। कैसे वीक किया जा रहा है, पहली चीज क्या डिफरेंस है, तो अब एक लिस्ट आ गई है प्रोजेक्ट्स की दैट हैव बीन इंक्लूडेड अंडर कैटेगरी B2। कैटेगरी B2 क्या होती है, एक ऐसी कैटेगरी जो कि एग्जेम्प्टेड रहती है फ्रॉम द EIA रिक्वायरमेंट, ऐसी कैटेगरी है B2 जिसमें कि आपका इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया ही नहीं जाता। तो उस प्रोजेक्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं उस कैटेगरी में, ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल गैस एंड शेल एक्सप्लोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप टू 25 मेगावाट, इरिगेशन प्रोजेक्ट बिटवीन 2,000 to 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ कमांड एरिया, स्मॉल एंड मीडियम मिनरल बेनिफिशिएशन यूनिट्स, स्मॉल फाउंड्रीज इन्वॉल्विंग फर्नेस यूनिट, सम कैटेगरीज ऑफ रीरोलिंग मिल्स, स्मॉल एंड मीडियम सीमेंट प्लांट, स्मॉल क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट्स, एसिड एंड अदर फॉस्फोरिक और अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन डाई एंड डाई इंटरमीडियरीज, बल्क ड्रग्स, सिंथेटिक रबर्स, मीडियम साइज प्लांट यूनिट्स, ऑल इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ वाइडनिंग ऑफ हाईवेज बिटवीन 25 and 100 किलोमीटर विद डिफाइंड पैरामीटर्स, एरियल रोपवे इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज एंड स्पेसिफाइड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आप सोचो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इसमें बहुत सारे हैजार्डस भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट को, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट आपके एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यानी कि B2 कैटेगरी में डाल दिए गए हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना।
अब एक्सपर्ट अप्रेजल जो कमेटी रहती है उसका भी प्रावधान हटा दिया गया है और ये कह दिया कि ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत इजीली आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, नए स्कीम में आपको डायरेक्टली क्लियरेंस दिया जाएगा। नाउ अप्रीहेंशन क्या है, अप्रीहेंशन ये है कि ये जो बी टू कैटेगरी में ला दिए गए हैं तो इसमें आपने एक तो ई आई ए हटा दिया, दूसरा पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, सो दे विल सीवियरली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। जो अप्रीहेंशन है वो यही है कि दीज विल सीवियरली अफेक्ट द इन्वायरमेंट, ओके, एंड since they will be carried out without any oversight, okay, combined with a new provision for post facto clearance, post facto environmental clearance भी आ गया है। अब post facto environmental clearance क्या है कि मतलब आप पहले project बना लो, clearance मत लो, लेकिन बाद में एक छोटा सा fine देकर के आप उसको clear करवा लो। so this is a thing which is important। जो notice period है for public hearing, जो notice period है for public hearing that has been cut from 30 days to 20 days। जो notice period है ना public hearing का वो भी कट कर दिया गया है फ्रॉम 30 days to 20 days, उसको 30 दिन से घटा करके 20 दिन कर दिया गया है फॉर पब्लिक हियरिंग। दिस विल मेक इट डिफिकल्ट टू स्टडी द ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट एज वेल। जो ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट है उसको पढ़ना भी काफी मुश्किल है क्योंकि 30 दिन से घटा करके 20 दिन कर दिया गया है। प्लस इट इज ऑल्सो अवेलेबल ओनली प्रोवाइडेड इन 3 रीजनल लैंग्वेजेस, सारी रीजनल लैंग्वेजेस प्रोवाइडेड, ऊपर ही हमने देखा कि 22 रीजनल लैंग्वेज में नहीं है, केवल 3 रीजनल लैंग्वेजेस में है, ठीक है। एक और चीज क्या, अगर प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन है तो प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन में केवल ईआईए की जरूरत तभी पड़ेगी जब 25% से ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो, और पब्लिक हियरिंग की जरूरत केवल तब पड़ेगी जब 50% से ज़्यादा आप कर रहे हो। तो ये भी एक नया प्रावधान है जो कि इंक्लूड किया गया, इससे भी काफ़ी नुकसान होंगे। हर बार आप बोल दो कि भाई 25% की जरूरत, 25% से कम कर रहे हैं हम मॉडर्नाइजेशन, तो मतलब कि ईआईए की जरूरत ही नहीं है फिर उसके बाद, ठीक है ना। इसके अलावा प्रपोज चेंजेस में ये भी कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं दे विल नीड टू सबमिट ओनली 1 एनुअल रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद द कंडीशंस कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग 2। अभी है कि 2 रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं जो प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट होते हैं, बट अभी नए चेंजेस में बोले कि आपको केवल एक बार एक रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। देखिए कैग ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि रिपोर्ट अच्छे से नहीं पेश करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि नए पॉलिसी में है। इसके बाद कोर्टिंग कंट्रोवर्सी इन राजस्थान, कोर्टिंग कंट्रोवर्सी इन राजस्थान सेम चीज़ जो हम इतने दिन से बता रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे है। सुप्रीम कोर्ट की ने सबसे पहले ये कहा है कि गवर्नर का जो पावर है सम्मन करने का आर्टिकल 174 के अंतर्गत वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और योर कैबिनेट, ठीक है ना। क्या गवर्नर डायरेक्ट कर सकता है एजेंडा क्या होना चाहिए, क्या गवर्नर बता सकता है कि क्या आपको डिस्कस करना है, नहीं गवर्नर नहीं बता सकता, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है डिसीजन कि वो और स्पीकर बेसिकली हैंडल करता है, तो ये उनके ऊपर रहता है कि वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्पीकर बेसिकली होता है, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर कि गवर्नर बिना एडवाइस के काम कर सकता है, तो कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नर बिना एडवाइस के काम करता है। कहाँ कहाँ करता है, गवर्नर हैज स्पेशल पावर्स इन एडवांस ड्यूरिंग द ट्राइबल वेलफेयर के मामले में। दूसरा, गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही और शी कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। ये तीसरा हो गया रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल, दूसरा हो गया रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट। इफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूज देयर मेजोरिटी, अब चौथा केस कहाँ है अपना मन यूज करने वाला, अगर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी लूज कर दें और दे रिफ्यूज टू रिकमेंड अ सेशन इन 6 मंथ या 6 महीने में वो कन्वीन ना कर पाएं, देन गवर्नर के पास अथॉरिटी रहती है कि वो डिमांड कर सकता है सेशन को, या फिर गवर्नर बोल सकता है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो, अगर नहीं प्रूफ कर पाते तो वो किसी और को मौका दे सकता है गवर्नमेंट बनाने का, ठीक है ना। लेकिन जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है मेजॉरिटी में है तब तक गवर्नर उनकी रिकमेंडेशंस में ही काम करेगा, दिस इज़ वेरी क्लियर कट, ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। जो केसेस थे मैंने आपको बताया था, शमशेर सिंह केस था, नवाब रेबिया केस था, इसके अलावा मैंने आपको के होतो हौलहन केस बताया था इसमें इसी रिलेटेड, तो ये सारे केस इंपॉर्टेंट हैं, इनको दोबारा एक बार पढ़ लेना, नवाब रेबिया केस पढ़ लेना, के होतो हौलहन शमशेर सिंह केस पढ़ लेना, ठीक है ना। 3 स्टेट्स रैंक हाई इन ढोल कंजर्वेशन, ढोल क्या है बेसिकली एक तरह की डॉग की वैरायटी होती है, वाइल्ड डॉग की वैरायटी होती है, एंड कर्नाटका महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश दे आर रैंकिंग हाई इन द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ढोल इन इंडिया। ढोल जो है वो IUCN के अंतर्गत इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, और ये 3 स्टेट जो कर्नाटका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हैं दे आर रैंकिंग हाई ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ढोल इन इंडिया
और ढोल इज द सेकेंड वेराइटी आफ्टर टाइगर, टाइगर के बाद केवल सेकेंड वेराइटी है ऑफ द लार्ज कार्निवोर इन इंडिया दैट इज अंडर IUCN इंडेंजर्ड कैटेगरी। IUCN के इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने वाला टाइगर के अलावा यह दूसरी लार्ज कार्निवोर वेराइटी है, याद रखिएगा। एंड ये क्या काम करते हैं, बेसिकली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज एपेक्स प्रीडेटर्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये एपेक्स प्रीडेटर का काम करते हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट था रिगार्डिंग ढोल। ओके, आगे मूव करें, अगर हम आंसर्स आपको बता दूं, न्यूज़ एनालिसिस तो खत्म हो गया, आंसर जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके बता दूं। पहला मैंने क्वेश्चन पूछा था ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट 2020 यानी ग्रिड रिपोर्ट कौन निकालता है, आंसर है सी इंटरनेशनल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर यानी कि IDMC इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर निकालता है। देन दूसरा मैंने आपको बताया कोविल पट्टी कदलई मिठाई, कोविल पट्टी कदलई मिठाई कौन कहाँ का है जिसको ज्योग्राफिकल टैग मिला है, तो ये तमिलनाडु का है, याद रखिएगा, तमिलनाडु का है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। नाउ तीसरा क्वेश्चन था वो चक हाओ के ऊपर था, चक हाओ पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट्स अ सेंटेड ग्लूटिनस राइस वेराइटी पॉपुलरली नोन एज ब्लैक राइस, ये बिल्कुल सही है, और ये चक हाओ जो है ये मणिपुर का वेराइटी है जिसको कि अभी GI टैग मिला है। सेकंड स्टेटमेंट जरूर गलत है क्योंकि लिखा है कि पहली बार है जो कि राइस की वेराइटी को दिया जा रहा है, तो गलत है, बासमती राइस ये सब ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।